आजकल हमारे गेम के अंदर एक नई प्रॉब्लम चल रही है जिससे हमारा होनर स्कोर भी माइनस हो जाता है। और तब क्या होता है, जिससे कि हम जैसे भी कोई भी मैच स्टार्ट करते हैं तो हमारा जाकर यहाँ पर स्टक हो जाता है। और यहाँ पर अगर जिसका स्टक नहीं होता है तो उसको वो वापस बैक फेंक देते हैं, वहाँ पर आपको रिकनेक्ट करने के लिए बोलते हैं और रिकनेक्ट का ऑप्शन नहीं आता है और डायरेक्ट आपका होनर स्कोर भी माइनस लग जाता है। मैं आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चाहे पीसी हो या मोबाइल, दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। दोनों में आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई सा भी वीपीएन डाउनलोड कर लेना है और उस वीपीएन को आपको कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एंटीवायरस यूज़ करता हूँ, तो मेरे एंटीवायरस के अंदर एक इनबिल्ट हमारा वीपीएन रहता है जो कि 150 MB तक दे देता है, लेकिन ये पूरा फ्री नहीं है, सिर्फ 150 MB देता है। इसलिए आपको कोई सा भी अलग वीपीएन डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर देखो, ये मेरा एक अटक चुका है, ठीक है। अभी भी मेरा वीपीएन लगाने के बाद नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक बार गेम को रिस्टार्ट कर लिया, क्योंकि वो एक बार उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था मैंने आपको बताने के लिए, इसलिए उसने थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया था, इसलिए मुझे गेम को रिस्टार्ट करना पड़ा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हो, देखो जैसा कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी लॉबी में, अब मेरा यहाँ पर वीपीएन कनेक्ट है और वीपीएन कनेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो देख सकते हो मेरा 97 और यहाँ पर आकर मेरा गेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई भी अटकने को देखने को सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो मेरा जो पिंग है वो मेरा हाई जाने लग गया है। जी हाँ, हमने जो वीपीएन यूज़ किया उसी की वजह से हमारा ये हाई पिंग जा रहा है और आपको भी ये देखने को मिलेगा। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। और मैं कहूँ ये स्टक या फिर जो भी हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, ये सिर्फ हमको जियो के नेटवर्क में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। मुझे आज तक एयरटेल या VI के इसमें नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी अगर आपका पिंग हाई जा रहा हो, तो आपको वीपीएन को एक बार गेम के अंदर आप जैसे ही चले जाते हो, उसके बाद आपको आपके वीपीएन को डिसकनेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं गेम के अंदर चला गया, उसके बाद मैंने मेरा वीपीएन को डिसकनेक्ट कर दिया, तब आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा एक बार 99+ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही थोड़ी सी देर वेट करोगे, थोड़ा सा टाइम वेट करोगे, यानी कि 30-40 सेकंड, तो आपका नॉर्मल पिंग है वो आ जाएगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको जियो के वाईफाई या फिर नेटवर्क के साथ ही आपको देखने को मिलती है। देखो अभी मेरा पिंग यहाँ पर एकदम नॉर्मल हो चुका है। चाहे आप मोबाइल में खेल रहे हो या पीसी में खेल रहे हो या फिर किसी और अदर इमुलेटर में खेल रहे हो, आपको क्या करना है, आप आपके गेम के अंदर जैसे ही जाते हो उसके बाद आपको आपका वीपीएन को डिसकनेक्ट कर लेना है। उससे क्या रहेगा कि आपका पिंग जो रहेगा वो वापस से स्टेबल हो जाएगा। एक बार आप ये ट्रिक स्टार्ट कर लेते हो, एक बार आप ट्रिक को यूज कर लेते हो, उसके बाद अगर आप फिर दूसरी बार से आप दोबारा आपका मैच स्टार्ट करने जाओगे, तब आपको ये प्रॉब्लम नेटवर्क की देखने को नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ पर देखो, मेरा जो वीपीएन है वो डिसकनेक्ट है। मैं इन दोनों चीजों को आजू बाजू रख लेता हूँ। चलो, मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, इसलिए प्लीज मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। मेरा वीपीएन डिसकनेक्ट और मैंने गेम को स्टार्ट किया, देख सकते हो आप मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। और इस बार हमने कोई वीपीएन नहीं लगाया था, इसलिए हमारा पिंग भी बिल्कुल ही सही चल रहा है, इसमें हमारे पिंग में भी कोई इशू हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ, ये भी आपकी वीपीएन के साथ ही, लेकिन ये ट्रिक मुझे इस वाली ट्रिक से ज्यादा बेहतर लगी। अभी आपको इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका वीपीएन जो रहता है उसको कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप जब गेम के पास जाते तब आपको लग रहा है कि मेरा गेम अंदर नहीं ले जा रहा है मुझे, तब आपको जाकर आपके वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है, फास्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। आपको टाइम नहीं लेने देना है, आपको 99 पे आप जाओगे तब आपको पता चल जाता है कि मेरा गेम हाँ मेरा अटकने वाला है, तो उस टाइम के बीच में तुरंत आपको आपको वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। और आप जैसे वीपीएन कनेक्ट कर लोगे तो आपको गेम के अंदर ले जाएगा, और फिर आपका पिंग हाई जाएगा तो आपके वीपीएन को आपको डिसकनेक्ट कर लेना है, जिससे आपका पिंग हाई नहीं जाएगा, आपका पिंग 40-50-60 ही चलेगा। आप कोई सा भी वीपीएन डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पर नहीं देखना है कौन सा वीपीएन बेस्ट रहेगा, सभी वीपीएन बेस्ट ही रहेंगे। आप कोई सा भी एक फ्री वाले वीपीएन डाउनलोड कर लेना, कोई से भी सर्वर में आप कर लेना, भले ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको किसी भी पर्टिकुलर के लिए एक स्पेसिफिक वीपीएन चाहिएगा कि आपको इंडियन सर्वर का नहीं दूसरे सर्वर का चाहिएगा, आपको सिर्फ वीपीएन चाहिएगा, चाहे वो कोई सा भी वाला वीपीएन क्यों ना हो। और ये प्रॉब्लम जियो के नेटवर्क के साथ तो है, लेकिन इसके बाद भी हमारे को, मैंने गरीना की स्टोरी देखी थी तो उन्होंने वहां पर भी लिख रखा था कि हमको पता चला कि कुछ नेटवर्क प्रोवाइडर से आपका हमारा गेम ओपन नहीं हो रहा, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। और वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से भी हो रही थी मेरे साथ तो, लेकिन अभी जो OB44 का हमारा अपडेट है इसके बाद से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए गरीना ने खुद सामने से एक्शन लेते हुए उन्होंने एक पोस्ट मेंशन करी, एक पोस्ट डाली, एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, जिसमें उन्होंने बताया कि इस चीज का हम कर रहे हैं, इसका निवारण यानी इसका सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, ये प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी, इसमें वीपीएन लगाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतने, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।